जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में हम जमाबंदी रद्द करवा सकते हैं या नहीं। जो भी गलत जमाबंदी रद्द होता है उसे हम बिहार लोक शिकायत में उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करके उस जमाबंदी को बंद करवा सकते हैं या नहीं। इसी टॉपिक से संबंधित कमेंट किया है नरेश कुमार ने, और इसका कहना है कि सर, क्या लोक शिकायत में जमाबंदी रद्द हो सकती है? तो हम इसका आभार प्रकट करते हैं नरेश कुमार का, जिन्होंने हमें इस टॉपिक के बारे में सजेस्ट किया है। इससे पहले कि हम इस कमेंट का जवाब दें, हम आपको कुछ डिटेल से बिहार लोक शिकायत के बारे में बताना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इसमें हम शिकायत कैसे आपको करना है, बिहार लोक शिकायत की वेबसाइट पर क्या क्या सेलेक्ट करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि यदि आप जमाबंदी रद्द करवाने के लिए बिहार लोक शिकायत में जा रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों बरतने की ज़रूरत है और किस मैटर को आपको लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में किस किस मामले को लेकर के आप जा सकते हैं। तो देखिए, वह मामला बिहार लोक शिकायत का जो नाम है इससे ही स्पष्ट है कि बिहार यानी बिहार के लिए, लोक यानी लोक सेवक जो भी हैं उनके शिकायत निवारण, यानी कि बिहार में जो लोक सेवक हैं उनका शिकायत करके आप उसका निवारण कर सकते हैं। इसी कानून को कहा गया है बिहार लोक शिकायत निवारण। इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब इसके पास जाते हैं तो इसमें आप केवल लोक प्राधिकार के विरुद्ध जो भी लोक सेवक होते हैं उसके विरुद्ध आप इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब सवाल होती है कि ये लोक सेवक क्या है। लोक सेवक आप ऐसे समझिए एक लाइन में कि जो सरकारी पदाधिकारी है, जो आपका काम करने के लिए यानी पब्लिक का सेवा करने के लिए सरकार से पैसे लेती है यानी वेतन पाती है, उसको आप लोक सेवक समझिए कि वही लोक सेवक है। उसके विरुद्ध में यदि वो आपका कार्य करने में कोई कोताही करता है तब आप लोक शिकायत में उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अब बात आती है जमाबंदी दर्ज जो हो चुकी है गलत उसके विरुद्ध में आप जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यदि आप जमाबंदी दर्ज जो आप करवाए हैं वो करता कौन है, तो उसके लिए जमाबंदी बनाने के लिए सबसे पहले आपको RTPS काउंटर से या ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन देना होता है अंचलाधिकारी यानी CO के पास। उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के बाद आपका जमाबंदी दर्ज होता है या अस्वीकृत किया जाता है यानी रिजेक्ट होता है। यदि स्वीकृत हो गया तब वो यदि उससे आपको आपत्ति है, यानी कि जो भी व्यक्ति जमाबंदी दर्ज करवा लिया अब उसके विरुद्ध में आप शिकायत करना चाहते हैं, तब आपको लोक शिकायत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं जमाबंदी जो दर्ज हो चुकी है उसके विरुद्ध शिकायत करने के लिए ऑलरेडी DCLR के पास विकल्प आपका खुला है कि CO जो आदेश पारित किया है जमाबंदी दर्ज करने के लिए, आपको DCLR के पास एक विकल्प होता है कि आप वहां जाके उसके विरुद्ध में अपील दायर करके उस नोटिसन को रिजेक्ट करने की, अस्वीकृत करने की आप मांग कर सकते हैं। कुछ खर्च भी होता है, आपको लॉयर भी रखना पड़ता है। तो अब बात आती है कि क्या हम वही काम लोक शिकायत में जाके कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध में यानी जो व्यक्ति लोक प्राधिकार नहीं है यानी कि वो आपके पड़ोसी या आपके गाँव मोहल्ले के हैं, लोक प्राधिकार नहीं, वो आम नागरिक है और वो जमाबंदी दर्ज करवा लिया लेकिन ये जमाबंदी वो गलत या फर्जी तरीके से दर्ज करवाया, तब आपको उसके विरुद्ध अपील में जाना पड़ता है DCLR के पास। एक केस और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये प्लॉट है और इसका जमाबंदी ऑलरेडी आपके नाम पर चल रहा है पूर्व से ही, और यह मैटर कोई गलत तरीके से या किसी भी तरह से फर्जी तरीके से रसीद कटा लिया और आपका भी रसीद कट रहा है और उसी ज़मीन का, उसी खाता खेसरा यानी सेम ज़मीन का किसी और ने भी रसीद कटा लिया, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? और ये जो किसी ज़मीन का आप मालिक हैं, स्वामी तो आपके पास है, और उस ज़मीन का कोई फर्जी या कोई भी गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर गलत तरीके से जमाबंदी दर्ज कर लिया, तब क्या करना चाहिए? समझ रहे हैं दो बात। इसमें ज़मीन का मालिक आप हैं या आपको अगले से जो जमाबंदी दर्ज करवाने के लिए गया है उसमें कोई आपत्ति है और आपका रसीद कट रहा है और वह ज़मीन कोई भी फर्जी या गलत तरीके से दस्तावेज बना के वो अपने नाम पे वो ज़मीन का ट्रांसफ़र करवा लिया, तरीका गलत था। क्योंकि जब तक गलत नहीं होगा आप जाके अपील में जाने से आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं, जब तक
कुछ ना कुछ गलत नहीं हुआ तो उसके विरुद्ध में कोई काहे लड़ेगा, आप काहे जाइएगा उसके विरुद्ध में। यानी कि वो कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है, तभी आप उसका अपील में जाना चाहते हैं, उसका मोटिशन रद्द करवाना चाहते हैं, दाखिल खारिज को अस्वीकृत करवाना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में आपको DCLR के पास आप जाते हैं। यहाँ पर आपके नाम से भी रसीद अभी वर्तमान समय में कट रहा है। इसमें तो हुआ ये था कि आपका जमीन था, रसीद कट रहा था, लेकिन जैसे ही ये ट्रांसफ़र करवाया आपका रसीद कटना बंद हो गया और इसका रसीद कटना चालू हो गया, तो आपका तो बंद हो गया। अब जो है यहाँ पर दूसरा केस में है कि आपके नाम से ऑलरेडी कट रहा है अभी भी, और ये दूसरा भी मोटेशन करवा के ये भी रसीद कटाना चालू कर दिया, यानी कि सेम जमीन का सेम समय में दोनों को रसीद कट रहा है। इस परिस्थिति में जब आप लोक शिकायत में जाते हैं तो पूरी संभावना है कि यहाँ से CO को निर्देश दे दिया जाएगा, आदेश दे दिया जाएगा कि जो गलत जमाबंदी है उनको बंद कर दिया जाए, स्पष्ट आदेश चला जाएगा। अब यहाँ पर शिकायत किसके विरुद्ध में होगा? तो शिकायत होगा अंचलाधिकारी के विरुद्ध में, चूँकि गलत तो अंचलाधिकारी किया है। लेकिन जब आप बिहार लोक शिकायत में जाते हैं तो वहाँ पर आपको विकल्प कौन सा चूज करना है, इस पर हम आपको दिखाते हैं। ये बिहार लोक शिकायत के वेबसाइट का वेबसाइट है, और इस पर आप जब आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना परिवाद से संबंधित जो भी डिटेल है वो भरना होता है। आपको यहाँ पर चूज करना होता है परिवाद में, विभाग में आप सेलेक्ट करते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और यहाँ पर लाभ या राहत में आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं गलत जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। और जब आप यहाँ पर पदाधिकारी जिसके विरुद्ध में आप शिकायत करना चाहते हैं तो वो है अपर समाहर्ता। केवल आपको एक ही विकल्प आएगा, अपर समाहर्ता, जिसको एडिशनल कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपके जिला का नाम आता है, यानी कि यह शिकायत जब आप लोक शिकायत में दीजिएगा तो इसका लोक प्राधिकार यानी उत्तरदाता, यानी कि जो आपके विपक्षी हैं, वो बनेंगे जिला के अपर समाहर्ता द्वारा नियुक्त जो भी प्राधिकार है, लोक प्राधिकार को वहाँ पर नियुक्त किया गया है, वो आएंगे उत्तर देने के लिए। यदि आप यहाँ पर फाइल करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, जैसा कि हमने वहाँ पहले दो कंडीशन बताया है कि मोटेशन किस स्थिति में आप रिजेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर जब आप शिकायत को दर्ज करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर होता ये है कि सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद यदि सेकेंड कंडीशन है, वहाँ पर लगता है उनको कि दोनों के नाम से जमाबंदी चल रहा है और वहाँ पर हमको एक जमाबंदी अवैध है, उसको रद्द कर देना चाहिए, तो वहाँ से आदेश पारित कर दिया जाता है, और वहाँ से CO के पास से पहले सारा डिटेल मांगा जाता है एडिशनल कलेक्टर के द्वारा, और आपके पास लोक शिकायत में उत्तर देने के लिए उनके प्राधिकार को वहाँ पर जाना पड़ता है, और वो सारा जवाब देते हैं और आप उसका काउंटर करते हैं। सवाल जवाब के बाद अंतिम निर्णय में जब ये पाया जाता है कि यह जमाबंदी गलत है, इसको रद्द कर देना चाहिए, तो उस वक्त उस जमाबंदी को रद्द करने के लिए डायरेक्ट CO को आदेश चला जाता है, आपको कोई झंझट नहीं होती है। लेकिन यदि स्थिति पहले जैसी बनती है, यानी हमने जो पहला कंडीशन बताया है जिसमें कि गलत हुआ है, उसमें कई सारे प्रक्रिया है, त्रुटि है, और यहाँ पर लोक शिकायत में जो भी अधिकारी बैठे हैं उनको लगता है कि यह मैटर का सुनवाई होना चाहिए, तो यहाँ से एक निर्देश दे दिया जाता है DCLR को अपर समाहर्ता के द्वारा कि इस मामला को सुनिए, या फिर ये इसका इच्छा है, ये जिस भी अधिकारी को दे, हो सकता है CO को दे या फिर DCLR को डायरेक्ट भेजे। ये कंडीशन समय और हालात पर निर्भर करता है, आपके मैटर पर निर्भर करता है कि आपका मैटर किस दिशा में भेजने का योग्य है। तो इस परिस्थिति में आपके मैटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और लोक शिकायत में कार्रवाई को बंद कर दी जाती है, और लिखा किया जाता है आदेश में, हम एक झलक जो पूर्व में लिखा गया है हम वो आपको दिखाना चाहते हैं। एक दूसरा मैटर से संबंधित यहाँ पर आदेश है, और इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया है आदेश में कि स्पष्टतः परिवादी के परिवाद का निवारण के दिशा में लोक प्राधिकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, यानी अभी तक की नहीं गई है लेकिन की जा रही है। परिवादी अपना पक्ष संबंधित वाद में अंचल अधिकारी के समक्ष रखें। चूँकि आपके केस में हो सकता है अंचलाधिकारी के जगह पर यहाँ पर अपर समाहर्ता हो या DCLR हो या जिसका भी जहाँ भी योग्य हो आपका मैटर भेजा गया है, वहाँ पर आपको निर्देश दे दिया जाएगा कि आप उनके समक्ष रखिए, वाद को इस स्तर से निष्पादित किया जाता है, और बिहार लोक शिकायत में जो आपका मैटर चल रहा था वो यहाँ से समाप्त हो जाता है, और आपके मैटर को संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, और आपको निर्देश दे दिया जाता है कि आप वहाँ जाके अपनी बात को रखिए। यदि मैटर आपका DCLR के पास जाता है तो उस वक्त फिर आपको प्रक्रिया वही अपनानी पड़ती है
जो हमने पूर्व में ही बता चुका है कि DCLR के पास आप सारा नकल निकाल के वहाँ पर दीजिए क्या क्या त्रुटि हुई है। चूँकि जब आप यहाँ पर जाइएगा लोक शिकायत में, तो आप जिसके विरुद्ध में जा रहे हैं तो उनका साक्ष्य तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा, तो आप नकल तो निकाल ही चुके होंगे, तभी आप लोक शिकायत में जाना चाह रहे हैं। और यदि नहीं निकाले हैं तो निकाल करके ही जाइए। अब नकल कैसे निकाला जाता है उसका वीडियो भी हम चैनल पे दे दिए हैं, और आई बटन में आपका लिंक आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी वह वीडियो है, तो आप वहां से भी नकल निकाल सकते हैं। प्रक्रिया यही है, यदि कंडीशन बनता है रिजेक्ट अस्वीकृत किए जाने के योग्य तो अस्वीकृत किया जा सकता है, अन्यथा आपके मैटर को फिर DCLR या समक्ष जो भी सक्षम प्राधिकार हैं उनके पास भेज दिया जाएगा और आपको उनसे संपर्क करने का निर्देश दे दिया जाएगा और मैटर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसमें हम आपको दोनों ही परिस्थिति बता दिए, आपकी इच्छा है आप डायरेक्ट जाएं या फिर लोक शिकायत के माध्यम से जाएं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपके मैटर पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।